तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मुझे आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन मिली है जिसके जरिए आप गेम्स खेलकर बहुत अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से MPL एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। उसको डाउनलोड करने के बाद साइनअप करते ही आपको साइनअप बोनस मिलेगा जिसके जरिए आप यहाँ पर गेम्स खेल सकते हैं। फूड चॉप, पोकर, लूडो, कैरम बहुत ज़्यादा गेम्स अवेलेबल है। यहाँ पर फूड चॉप मेरा फेवरेट है, तो आप गेम्स खेलिए। गेम खेलने के बाद आपको यहाँ पर जो आपकी अर्निंग होगी आप उसको जो विड्रॉल कर सकते हैं, मिनिमम विड्रॉल कर सकते हैं, और Amazon पे, बैंक अकाउंट, पेटीएम के थ्रू आप जो विड्रॉल कर सकते हैं। बहुत कमाल की एप्लीकेशन है, गेम्स खेलकर आप पैसा कमा सकते हैं। तो या यही ऑफर है और बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। तो फटाफट जाइए डिस्क्रिप्शन से और MPL को जो है डाउनलोड की। सो यो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी लोग? और आप सभी लोग देख रहे हैं आपका अपना आरिश खान यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में बहुत वो दिन आ गया है जब मेरे भाई लोग बहुत बोल रहे थे कि चोरी करो, चोरी कब करोगे। तो प्लान के तहत ट्विस्ट है, इस चोरी में पता चला है कि ये वाला जो बैंक है ना, जिस बैंक में आज मैं जाने वाला हूँ, इस बैंक में ज़्यादा पैसा नहीं है, ठीक है। तो जितना भी पैसा है ना, अब उसके अंदर वो सब कुछ तो होना पाता कि मैंने जो मिलिट्री बेस से लैम्बो चुराई थी मैं इसमें दिखा पाऊँ, क्योंकि दोस्तों अगर मैं अभी दिखा दूंगा ना तो लैम्बो सबकी नज़रों में आ जाएगी। और वो हमें चोरी तब करनी है जब बहुत बड़ा हमें हाथ मारना हो, ठीक है, बहुत बड़ा हाथ मारना हो, तो उसके लिए हमें दूसरा बैंक जो है चुनना पड़ेगा। बट इस वाले बैंक की चोरी, वो मैं सोच रहा हूँ ना, ये जो गांव वाला बैंक है ना और ये जो ये वाला बैंक है, यहाँ पर ये जो बैंक है इनमें बहुत पैसा है। तो गांव वाले बहुत सारा पैसा आजकल वो करने लग गए हैं, तो वो करते हैं। प्लस ये जो हेलीकॉप्टर है ना, ये हेलीकॉप्टर अभी यहीं से एक दोस्त से मैंने मांगा है, बट उसको ये नहीं पता मैं किस पर्पज़ के लिए यूज़ करने वाला हूँ इस हेलीकॉप्टर को। और बेसिकली हमने ख़रीद ही लिया है और ये बहुत ही सस्ता आता है, ये देखो। और इससे मैंने सोचा, इससे प्लान, एग्जिट प्लान में काफ़ी मदद मिलेगी दोस्तों, क्योंकि जब मैं इससे अगर मैं ये लेके उड़ूंगा ना तो काफ़ी आसानी से मैं जो दूर निकल सकता हूँ, ठीक है, कोई पकड़े भी नहीं पाएगा। और एक ही बंदा इसके अंदर बैठता है और जल्दी से मैं इस्केप हो जाऊँगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चलो सबसे पहले फ़िलहाल तो हम बैंक चल रहे हैं, बैंक जाने वाला हूँ मैं। वही जो बैंक की बात हुई हुई थी उसी बैंक में जाना है, रॉबरी जो है स्टार्ट करते हैं। मैं फ़िलहाल अकेला ही करने वाला हूँ क्योंकि मैं इस पैसों को जो है खुद ही रखूँगा, माइकल दादा खुद ही रखेगा। अब देखते हैं क्या माइकल दादा इस रॉबरी को अकेले अंजाम दे भी पाएंगे या नहीं। मेरे पास सारे गन्स वगैरह अवेलेबल हैं, दिक्कत की तो कोई बात ही नहीं है, दिक्कत की तो दोस्तों कोई बात ही नहीं है, ठीक है। माइकल दादा के पास सारे के सारे गन्स वगैरह अवेलेबल हैं, तो चलो चलते हैं फटाफट और रॉबरी को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैं हेलीकॉप्टर में ही जाऊंगा, बहुत छोटा सा हेलीकॉप्टर है। आप सभी लोग ये बोलोगे कि आरिफ भाई क्या है यार ये। पर देखो जो भी है ना, हम इससे रॉबरी तो देखो दोस्तों कर ही सकते हैं। चलो रॉबरी को तो अंजाम दे ही देगा ये। ओए भाई क्या हो रहा है, ये तो अभी से ही ठुल हो रहा था। तो अंदर से कुछ इस तरीके का है इसका जो मामला पानी है, और सब कुछ ऐसा लगता है इसके अंदर बैठ के। तो इससे रॉबरी करने में ज़्यादा दोस्तों असर नहीं रहेगी, ताकि हम अपने शहर में जा पाएँ और अच्छे से रॉबरी को जो अंजाम दे पाएँ। मैं तो भैया देखो इसी चीज़ से वो हूँ। और आप सभी लोगों को क्या कहना है, आप सभी भी एक बार कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर से बता दीजिए, क्या आप इस रॉबरी को जो कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं। पहले ही आगे देखने से पहले ही बताओ भैया, कभी देख के फिर बोलो नहीं कर पाओगे रे भैया, ठीक है। तो पहले ही बता दो जितने लोग देखना चाह रहे हैं और जितने लोग बोल रहे हैं, फटाफट पहले ही बता दो मेरे को, ठीक है। तो बैंक तक दोस्तों जो हम पहुँच चुके हैं, बट फिलहाल तो सबसे पहले ये भी तो देखना है कि पोजीशन कहाँ है जहाँ पे हम इसको एकदम पहले, मुझे एकदम पहले यहाँ पे देख लूँ। पुलिस की गाड़ियाँ तो दोस्तों है नहीं, क्योंकि देखो पुलिस स्टेशन ना यहीं पर, देखो एकदम यहीं पर है, तो अगर शक भी होता है तो पुलिस को हम पे शक भी कर सकती है दोस्तों पुलिस। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था कि मैंने कहा पुलिस वगैरह भैया शक भी कर सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। तो चलो सबसे पहले तो हम चलते हैं नीचे ही, क्योंकि नीचे जाने में फ़ायदा है। चलो, क्योंकि पुलिस भी इस टाइम अवेलेबल नहीं है, तो मुझे फटाफट जो है बैंक में रॉबरी स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि बस जल्दी निकलना होगा दोस्तों रॉबरी स्टार्ट करने के बाद। तो चलो 3, 2, 1 देखते हैं। ओके, तो बैंक में भी इस टाइम ज़्यादा लोग अवेलेबल नहीं है। अगर देखे तो वैसे आई डोंट नो, पहले देखना पड़ेगा दोस्तों।
बैंक के सामने है भी ज़्यादा वो नहीं है। ओके तो रॉबरी तो स्टार्ट कर देता हूँ, सबसे पहले तो देखना पड़ेगा। ओके शूट द कैमराज, पहले मुझे कैमरा जो है शूट करने पड़ेंगे जो अंदर है, ताकि मेरी जो फुटेज है वो ना आए। भैया सब हैंड्स अप कर लो। ओके चलो 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 चलो। ओके 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 मुझे जल्दी जल्दी दोस्तों करना पड़ेगा। ओके भैया केस हो चुके हैं मेरे ऊपर बहुत तगड़े वाले। ओके एक अंदर लगा हुआ है शायद, किधर लगा हुआ है। ओके तो ये भी गया। हैक मुझे हैक करना पड़ेगा अभी इसको, तो चलो हैकिंग स्टार्ट करते हैं। ओ भैया हैक हो, ये ना माई कंप्यूटर आ गया, माई कंप्यूटर में। ओके और मेरा जो है शायद यही है एक्सटर्नल डिवाइस हैक, ये नहीं चल रहा, ये चल रहा है दोस्तों, चल गया। ओके ओके तो दोस्तों हैक करना बहुत थोड़ा वो है, डिफ़िकल्ट है, ज़्यादा भी डिफ़िकल्ट नहीं है, आप सभी हैकिंग कर सकते हो। ओ माय गॉड तो दोस्तों है, ओके हैक कंप्लीट हो चुका है और पिकअप द कैश। ओके तो हमने जो कैश की लूट की है दोस्तों वो है करीबन बहुत ज़्यादा कैश दोस्तों हमने यहाँ पर जो लूट लिया है, देखो ज़रा एक बार, बहुत दिन हो गए यार पैसे देखे हुए, तो इतना ज़्यादा कैश बैग में हम लेकर आए, तो लीव द बैंक हमने बहुत ज़्यादा कर तो लिया है। ओ पुलिस वाले आ रहे हैं भैया, भाग आरिश भाग भाग भाग, भाग माइकल दादा भाग भाग भाग। बेसिकली पुलिस जो है फिलहाल अभी तक तो पहुंची नहीं है, पहुंच भी जाए तो भैया कुछ नहीं उगाड़ सकते, अब तो उड़ी गया मैं। अब तो उड़ी गया मैं, ओ माई गॉड गोलियाँ लग चुकी है, गोलियाँ लग रही है दोस्तों। फिलहाल मुझे जो सबसे ऊपर जाना पड़ेगा वरना गोलियों तो देखो, ओ माई गॉड इसका जहाज का पूरा भैया तोड़ दिया है, लूज द पॉप्स। ओ माई गॉड बहुत ऊपर से गोलियां मार रहा है, मुझे इसकी मैक्सिमम ऊंचाई तक इसको लेकर जाना पड़ेगा। अगर काश मैं भी उस पर होता ना दोस्तों, वो जो थी वो लैम्बो, तो मैं निकल सकता था, बट यहाँ पर भी मैंने अकेले तो चोरी करने की तो एक जरूरत करी और मैंने कर ली बैंक रॉबरी सक्सेसफुली, बट शायद अभी मुझे नहीं लगता कि मैं अच्छी तरीके से इनको जो है पीछे छोड़ पाया हूँ। फिलहाल मुझे बस इसको भगाने पे जो है ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। भाग 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 भाई भाग ले बस अब तू, मुझे शहर से दोस्तों दूर निकलना होगा क्योंकि मेरे पीछे बहुत ज़्यादा पुलिस वाले पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा पुलिस वाले पड़े हुए, एटलीस्ट पूरे शहर की पुलिस तो होगी यार। देखो अब लग रहा है मैंने उनको पीछे छोड़ दिया है, अब मैं जब से फुल रफ्तार पे जा रहा हूँ ना तो लग रहा है कि मैंने उनको पीछे छोड़ दिया है। ओके ओके तो मुझे लग रहा है कि मैंने पीछे छोड़ दिया उन्हें, किसी को पता नहीं चल रहा है कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, सब आपस में उसमें ढूंढ रहे, क्योंकि दोस्तों आसमान के उसमें कहाँ कोई किसी को ढूंढ पाएगा है ना। मैं तो सीधा यहाँ से जाने वाला हूँ माउंट चिलियार्ड पर, ताकि मुझे कोई पकड़ ही ना पाए, वहाँ पर तो जाऊँगा एक बार बस केस ख़त्म हो जाए मेरे, क्योंकि ये जो पहाड़ है ना, पहाड़ के ऊपर बहुत कम पुलिस वाले आपको पकड़ते हैं, सच में पहाड़ के ऊपर बहुत कम पुलिस वाले आते हैं और आपको पकड़ते हैं। फिलहाल तो कोई भी नहीं है, अभी थोड़ी गोलियाँ वोली चलनी तो बंद हो गई है। अभी अगर मैं अंदर का अपना अरेंजमेंट दिखाऊं तो भाई बहुत सही चल रहा है तुम्हारा भाई, अभी चले चलता तो जा रहा है, अभी देखता हूँ मैं कब तक पहुँच पाऊँगा। एक बार बस ये ख़त्म हो जाए, ओ माय गॉड बस भैया अब हमें लॉस्ट हो चुके हैं, हाँ अब बस ये बोल दो कि हम उन्हें खो चुके हैं, शायद अब हम उन्हें ना ढूंढ पाए और वो बहुत दूर जा चुका है टारगेट हमारा। बस ये जो हेलीकॉप्टर है ना, हेलीकॉप्टर वाले देख लेता है मैं, एक बार मैं माउंट चिलियार्ड पर चला था जाऊँ, वहाँ पर इनकी पहुँच से दूर हूँ दोस्तों मैं, माउंट चिलियार्ड जो है इन लोगों की पहुँच से दूर है, बस मुझे फिलहाल तो हेलीकॉप्टर वाला देख रहा है, हेलीकॉप्टर वाले ही देख रहे हैं मुझे इस टाइम, और कोई नहीं देख पा रहा है, और माउंट चिलियार्ड बिल्कुल हमारे सामने है। अगर मैं इस पहाड़ पर एक बार पहुँच गया तो दोस्तों बस मैं बच जाऊँगा, इस पहाड़ के उस पार जो है ज़िंदगी है, इस पार जो है मौत है, तो बस एक बार पहुँच जाऊँ यार मैं। ये जो है चोरी तो मैंने कर ली है,
अब मैं बस इसको ऊंचाई पर लेकर जा रहा हूँ अपने हेलीकॉप्टर को। हेलीकॉप्टर भी ऐसा ही है। ओ माय गॉड, मुझे इस हेलीकॉप्टर को भी दोस्तों तीसरे दूसरे आसमान पर। ओ माउंट चिलियाड पर भी दोस्तों पुलिस है, वो देख रहे हो। ओ माय गॉड, माउंट चिलियाड तक दोस्तों पुलिस पहुंच गई है। क्या बात है, ये पुलिस कुछ ज़्यादा ही दोस्तों मेरे को खतरनाक लग रही है, बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रही है मेरे को। पुलिस ये पीछा नहीं छोड़ने वाली है हमारा। पूरी सारी जितनी भी एयरफोर्स है ना वो मेरे नीचे है दोस्तों, जितनी भी एयरफोर्स है वो सारी नीचे है मेरे, और मैं इसको बस ऊंचाई तक लेता जा रहा हूँ, लेता जा रहा हूँ, लेता ही जा रहा हूँ। शायद मैं जितनी ऊपर तक जा पाऊँ तभी मैं इनको जो है। ओ माय गॉड, रॉबरी सक्सेस, तुम्हारे भाई ने मनी जो है रॉबरी सक्सेस दोस्तों कर लियो, और यहाँ पर हमने जो है रॉबरी सक्सेसफुली जो है यहाँ पर कर लिए दोस्तों। क्या बात है यार, मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया एकदम भयंकर भयंकर दोस्तों, एकदम किराक रोक रही हमने जो है एकदम वो करी है, एकदम जिगर का छल्ला बन गया यार भाई, मज़ा आ गया यार। चलो नीचे उतारते हैं इसको। एकदम रॉबरी करने में तो भैया मैं एक्सपर्ट है, और तुम्हारे भाई ने आज सक्सेसफुल रॉबरी कर भी ली। फिलहाल माइकल दादा जो है, अब देखो अब मुझे तो लगता है इसका कोई फ़ायदा भी होने वाला है तो मुझे इसे छोड़ ही देना चाहिए और मुझे शहर की तरफ ही चलना चाहिए। छोड़ो, ओह माय गॉड, वो जो हेलीकॉप्टर था वैसे मुझे उसका कुछ करना नहीं था, और अच्छा वो फट ही जाए तो। गिरा नहीं क्या अभी तक? हाँ ज़्यादा सही रहेगा कि गिर जाए और वो ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों आज की रॉबरी आपको कैसी लगी प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। फिलहाल तो हमने माइकल दादा के साथ जो रॉबरी को अंजाम दे दिया, अभी पुलिस का एक केस हो गया है, खैर वो उसकी वजह से होगा। मैं तो ज़रा पानी में ही कूदूंगा जाकर ताकि मुझे कोई पकड़ ना पाए। और अगर वीडियो पसंद आई हुई तो ये रॉबरी वाली प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। अभी जो बिगेस्ट बैंक रॉबरी है अभी वो होनी बाकी है। फिलहाल जो भाई लोग बोल रहे थे भाई रॉबरी रॉबरी, और अभी कलवे को एक बहुत ही, कलवा क्यों नहीं आया, कलवे को रॉबरी की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी दोस्तों, इसका भी एक राज है। क्योंकि कलवा जो है ना बहुत अमीर हो चुका है यार, बहुत ज़्यादा अमीर हो चुका है, माइकल दादा की सोच से परे है वो कितना अमीर हो चुका है। तो वो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि कलवे को ऐसा क्या मिला जो इतना अमीर हो गया और उसे रॉबरी की ज़रूरत नहीं है। तो जो जो नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं एक बार कॉमेंट करके मेरे को ज़रूर से बता देना। उम्मीद करूँगा आज की वीडियो पसंद आ गया तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। ठीक है दोस्तों, तो यार मिलता हूँ हम सभी से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।